क्लास 10th के इटली के एकीकरण के भाग को एक को हमने पढ़ लिया था। अभी क्या है, इटली के एकीकरण के भाग द्वितीय के बारे में अपने चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ना है कि काउंट काबूर का या काउंट केवर का योगदान क्या था, इटली के एकीकरण में काउंट केवर का क्या योगदान था। नेक्स्ट जो है वो अपने पढ़ेंगे कि लोम्बार्डी को किस प्रकार से मिलाया गया, लोम्बार्डी को इटली में किस प्रकार से सम्मिलित किया गया या क्या तरीका अपनाया गया। और नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे पार्मा, मेडेना और टस्कनी को किस प्रकार से इटली में मिलाया गया, यानी अपने इटली के एकीकरण के दो भाग पढ़ेंगे। और उससे पहले पढ़ेंगे काउंट केवर का योगदान क्या था, काउंट कैमिलियो डी काबूर या काउंट कैमिलियो डी केवर का योगदान क्या था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इस बंदे का क्या योगदान है। देखो, इटली के एकीकरण से पहले हमने पढ़ा है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में हमने पढ़ा था बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क जो है उसने जर्मनी के पूरे पूरे क्षेत्र को क्या है एकीकृत किया था, अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी राजनीतिक शक्ति से, बुद्धिमता से, कूटनीतिज्ञता से। उसी प्रकार से यहाँ का जो इटली का काउंट केवर है या काउंट आपकी बुक के काउंट काबूर जो है वो क्या करता है, इटली का एक एक क्षेत्र को एकीकृत करता है। जैसा कि मैंने कल इसके बारे में बताया था कि यह इंग्लैंड अपने भ्रमण के लिए जाता है और उस भ्रमण के दौरान वह वहाँ के संसद के बारे में अध्ययन करता है और वही सिस्टम जो है वो इटली में लागू करना चाहता है। तब ये सोचता है कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। इसको अवसर मिलता है 1852 में, जब ये क्या बन जाता है भाई, प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। कहाँ का, पिडमोंट सार्डिनिया का। पिडमोंट सार्डिनिया, सार्डिनिया, इन दो जगह अलग अलग जगह थी लेकिन इन दोनों जगह पर किसका राज था, सवोय वंश का राज था, सवोय वंश का था, ठीक है। तो ये एमैनुअल राजा के यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है 1852 में और पिडमोंट सार्डिनिया का ये बन जाता है। ये इकलौता ऐसा वंश था जो इटली का वंश था, यानी इटली के ही पुराने राजवंश ये चलते आ रहे थे, उनमें से एक ये था सवोय। बाकी इटली का जो संपूर्ण क्षेत्र था उस पर अलग अलग जगह पर अलग अलग जगहों के राजाओं का राज था। जैसे मैंने बताया था लोम्बार्डी या वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया के राजा का राज था, टस्कनी मेडेना या परमा वहाँ पर क्या है ऑस्ट्रिया के राजकुमारों का राज था, कहीं जो दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पर बर्बन डेंसिटी या नेपोलियन के जो क्षेत्र थे या नेपोलियन के जो वंशज थे उनका राज था, और मध्य भाग जो था रोम वहाँ पर किसका राज था, पादरी या वहाँ के पोप का राज था। पोप कौन होता है भाई, ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु, ठीक है। तो वह पिडमोंट का प्रधानमंत्री बनता है। काउंट केवर क्या है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, राजनीति अच्छे से जानता था, कूटनीति बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता था। तो इसने तीन चीज़ें सोच ली थी कि पहली सबसे बड़ी जो बाधा है किसके लिए, सबसे बड़ी जो बाधा है इटली के एकीकरण में वो क्या है, वो ऑस्ट्रिया है, यानी ऑस्ट्रिया को अलग किए बगैर हम इटली का एकीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बहुत से बड़े बड़े क्षेत्र जो क्षेत्र थे वहाँ पर किसका राज था, ऑस्ट्रिया का राज था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। सेकंड, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए क्या करना है, इसको इसकी जो अलग बड़ी संस्थाएं थी विश्व की या देश थे बड़े उससे अलग करना है, बड़े देशों से अलग करना, ऑस्ट्रिया को बड़े देशों से अलग करना। और तीसरी चीज कि इटली के एकीकरण की शुरुआत जो है वो कहाँ से हो सकती है, पिडमोंट सार्डिनिया से ही हो सकती है। कहाँ से हो सकती है, पिडमोंट सार्डिनिया से ही हो सकती है। ये तीन चीज़ें इसने पहले ही सोच ली थी और इसके अनुसार यह अब कार्य करना चाहता था। अब यह क्या है, लगातार अवसर की खोज में था, अवसर की खोज में था कि भाई कैसे ही मेरे को मौका मिले और मैं चौका मारूँ।
और इसको मौका मिलता है, कहाँ मिलता है, क्रीमिया की युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध में। देखो क्रीमिया जो है वो आज जहाँ यूक्रेन है वहाँ पर क्या है, उसमें क्रीमिया था। किसी समय में क्रीमिया जो क्षेत्र था वहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का क्या चलता था, शासन चला रहा था लगातार। लेकिन ओटोमन साम्राज्य जब कमज़ोर हुआ तो क्रीमिया के ऊपर रूस की नज़र पड़ गई। अब रूस चाहता था कि क्रीमिया पर अगर वो कब्जा कर लेता है, क्रीमिया क्या है, एक प्रकार से प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, जिस प्रकार से भारत है, पेनिनसुला है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र था क्रीमिया। तो क्रीमिया को रूस अपने अंडर लेना चाहता था, जिससे उसको फ़ायदा हो जाए, भूमध्य सागर तक ये पहुँच सके, एशिया के भागों के तक ये इसकी क्या हो सके, पहुँच हो सके। अब दूसरा, क्रीमिया को चाहते कौन थे, ब्रिटेन और फ्रांस। कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि अगर क्रीमिया रूस के पास चला जाता है तो रूस का वर्चस्व जो है विश्व में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरोप में भी सीधी हस्तक्षेप हो जाएगी इसके द्वारा, और दूसरा एशिया के अंदर जहाँ इनके उपनिवेश थे वहाँ पर भी, इनके उपनिवेशिक निवेशिक क्षेत्रों पर भी क्या है, किसकी पहुँच बढ़ जाएगी, ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेशिक क्षेत्रों पर भी क्रीमिया के माध्यम से रूस की पहुँच बढ़ जाएगी। तो इसलिए दोनों के मध्य युद्ध होना अवश्यभावी था। जब ओटोमन साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हुआ तो रूस क्रीमिया को प्राप्त करना चाहता था। अब युद्ध होने वाला है क्रीमिया के लिए, युद्ध में प्राप्त कौन करना चाहता है, रूस, और रूस को नहीं देना चाहते वो देश है ब्रिटेन और फ्रांस। अब ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो उस समय ऑस्ट्रिया के दोस्त हुआ करते थे, और जो काउंट केवर है वो इसी मौके की तलाश में था कि किसी प्रकार से ऑस्ट्रिया की दोस्ती जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस से कमज़ोर कर दी जाए या उनको उनसे हटा दिया जाए। इसलिए काउंट केवर क्या करता है, अपने 18,000 सैनिक कहाँ भेज देता है, क्रीमिया के युद्ध में भेज देता है ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता के लिए। कह देता है भी सैनिकों जाओ और ब्रिटेन को जीत दिलाकर विजय प्राप्त करवा के लाओ। उस युद्ध में क्या है, रूस हार जाता है पिडमोंट सार्डिनिया की सेना पहुंचने के द्वारा। इसलिए ब्रिटेन उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है, फ्रांस भी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है कि भाई हमारी उसने मदद की है सही वक्त पर, इसलिए वो क्या है, हमारा भी एक अच्छा दोस्त है। तो पिडमोंट सार्डिनिया का जो प्रधानमंत्री है वो इस प्रकार की कूटनीति का इस्तेमाल करता है ताकि यह आगे जाके इटली के एकीकरण में सहायक हो सके। अब क्या है, 1854 में क्रीमिया का युद्ध होता है जिसमें रूस की हार हो जाती है, और उस युद्ध के विश्लेषण के लिए 1856 में क्या है, एक मीटिंग होती है, कहाँ पर, पेरिस में। पेरिस में एक सभा होती है, वहाँ पर पिडमोंट सार्डिनिया के काउंट केवर को बुलाया जाता है, और क्या है, उस सभा में क्या है, विजयी सदस्यों के रूप में उसको आमंत्रित किया जाता है, विजयी सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था और क्रीमिया को क्या है, फ्रांस और ब्रिटेन ने जीत लिया था, तो विजयी सदस्यों के रूप में वह वहाँ पहुँचता है। लेकिन ऑस्ट्रिया ऐसा चाहता नहीं था कि वहाँ के प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, बजाय इसके न चाहने के ब्रिटेन और फ्रांस ने उसको बुलाया, क्योंकि अब क्या है, ये जानते थे कि इटली क्या है, एक अच्छा दोस्त है, या पिडमोंट सार्डिनिया जो है वो उनकी सहायता करता है। इस सभा में, पेरिस की सभा में क्या है, काउंट केवर ने इटली के दुख दिखाए कि भाई देखो इटली की जो जनता है वो इस ऑस्ट्रिया के निरंकुश राजा के कारण, बहुत ज़्यादा दुखी है, यहाँ के लोग जो हैं अपनी सभ्यता को बुलाते जा रहे हैं, यहाँ की संस्कृति भी क्या है संकट में पहुँच रही है, और साथ ही साथ ये इस देश का पतन होना प्रारंभ हो चुका है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, ऑस्ट्रिया के कारण। यानी उसमें क्या है, गिल्टी साबित कर दिया गया ऑस्ट्रिया के राजा को और ऑस्ट्रिया को, किसके के लिए, इटली के सारे दुखों के लिए। अब ब्रिटेन और फ्रांस की सहानुभूति किसके साथ आ गई, शुरू हो गई, इटली और साथ ही साथ कह सकते हो अपने पिडमोंट सार्डिनिया।
पिडमोंट सार्डिनिया। पिडमोंट सार्डिनिया इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि यहाँ का ये प्रधानमंत्री था और यहीं से क्या है सारी शुरुआत होती है इटली के एकीकरण की। अब क्रीमिया के युद्ध का फायदा उठाया और अपने क्या है जो विक्टिम कार्ड है वो खेला इटली ने कि हमें को हमारे को क्या परेशान किया जा रहा है ऑस्ट्रिया के द्वारा। अब ये जो स्थिति होती है इसके कारण ऑस्ट्रिया क्या है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि भाई ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ, मैं तो इतना बुरा था ही नहीं जितना बुरा मेरे को दिखा दिया गया। इसलिए ऑस्ट्रिया क्या कर देता है, युद्ध कर देता है। किसके खिलाफ युद्ध कर देता है, पिडमोंट सार्डिनिया के खिलाफ। अब युद्ध होने से पहले, युद्ध शुरू होता है कब, 1859 में युद्ध होता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, फ्रांस का जो राजा है, फ्रांस का राजा कौन था भी, नेपोलियन थर्ड जो था, फ्रांस का राजा नेपोलियन थर्ड जो था, वो क्या करता है इटली के किसी क्षेत्र में घूमने के लिए आता है, भ्रमण के लिए आता है। इटली क्या आता है, भ्रमण के लिए आता है। भ्रमण के लिए जब आता है इटली में तो ये काबुर जो है, काउंट केवर जो है, वो वहाँ पहुँच जाता है बिना किसी अनुमति के और वहाँ जाकर क्या कर देता है, एक समझौता कर लेता है, एक समझौता या कह सकते हो संधि कर लेता है। संधि के तहत क्या तय हुआ, संधि के तहत तय किया गया कि ऑस्ट्रिया से जब युद्ध हो तो फ्रांस बीच में नहीं आएगा। क्योंकि एक बात मैंने जर्मनी के एकीकरण के समय बताया था कि ब्रिटेन अब क्या है यूरोप के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये बात मैंने बताई थी। इसलिए बच गया कौन था, सिर्फ फ्रांस बच गया था और फ्रांस को काबुर क्या करना चाहता था, अपने पक्ष में लेना चाहता था। इसलिए वो फ्रांस के राजा के पास पहुंचता है और कहता है कि ऑस्ट्रिया से आप क्या नहीं करोगे, समझौता नहीं करोगे, या वहाँ जब युद्ध करेंगे हमने तो आप क्या है उस युद्ध में शामिल नहीं होगे, या फिर शामिल होगे तो फिर हमारी तरफ से आपको युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा तय हो जाता है तो नेपोलियन थर्ड कहता है कि भाई मेरे को इससे बदले में मिलेगा क्या, मैं ऐसा कर लूँगा, मेरा दोस्त है लेकिन फिर मेरे को क्या मिलेगा मेरे दोस्त को धोखा देने में, ऑस्ट्रिया दोस्त था मैंने बताया था। तो क्या है, पिडमोंट सार्डिनिया का जो प्रधानमंत्री है वो कहता है कि पिडमोंट सार्डिनिया की जो राजकुमारी है उसकी शादी किससे करवा दी जाएगी, आपके परिवार में आपके बेटे से करवा दी जाएगी। ठीक है, ये नेपोलियन का भतीजा था नेपोलियन थर्ड और उसके बेटे से शादी करवा दी जाती है पिडमोंट सार्डिनिया की राजकुमारी। दूसरा क्या होता है कि कुछ जो स्थान हैं, कुछ स्थान गिफ्ट में दे दिए गए कि भाई आपको गिफ्ट दे रहे हैं हम साथ ही साथ कुछ स्थानों को, ताकि आप क्या कर सकोगे, आप अलग रहना और युद्ध हो तो हमारी साइड से आना है। क्योंकि अब तो हम क्या हो चुके हैं, संधि हो चुके हैं, साधी संबंध बना लिए थे पिडमोंट सार्डिनिया, संबंध हो गए हैं अब तो आप हमारी साइड से लड़ोगे, उनकी साइड से आप नहीं लड़ोगे। तो दो लालच दे दिए गए, एक तो स्थानों का लालच दे दिया गया और दूसरा राजकुमारी के साथ शादी करवा दी। जैसा कि मैंने बताया था जर्मनी वाले टाइम भी ये नेपोलियन जो था वो ऐसा ही राजा था कि मेरे को बस कोई राज्य दे दे, कोई जगह दे दे तो मैं मेरी जनता को खुश करके रखूँ बस, ताकि इसका राज्य क्या है बना रहे, ये शासक बना रहे, ऐसा ये चाहता था। तो ये नेपोलियन थर्ड जो है वो मान जाता है, संधि कर लेता है और कहता है कि भाई आप जैसा बोलोगे वैसा ही हमें करेंगे। तो अब क्या है, बात आती है 1859 में, क्योंकि जब ये संधि होती है और तो काउंट केवर क्या करता है संधि के बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया के लोगों को कह देता है कि भाई आप क्या है विद्रोह करना शुरू कर दो, आप क्या कर दो, अब विद्रोह करना प्रारंभ कर दो। लोम्बार्डी वेनेशिया इन दो जगह के लोगों को काउंट काबुर कह देता है कि आप विद्रोह करना प्रारंभ कर दीजिए ताकि हम आपको हमारे राज्य के अंदर मिला लें।
अब लोम्बार्डी और वेनेशिया की जनता जो है वो क्रांति करने लग जाती है, या एक प्रकार से क्या है विद्रोह करने लग जाती है। किसका विद्रोह करने लग जाती है भाई? ऑस्ट्रिया के राजा का, ऑस्ट्रिया के राजा का विद्रोह करना शुरू कर देती है लोम्बार्डी और वेनेशिया की जनता। अब विद्रोह करती है तो ऑस्ट्रिया क्या है आक्रमण करता है, और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ऑस्ट्रिया आक्रमण करेगा, और काउंट कापुर चाहता था कि ऑस्ट्रिया आक्रमण करे ताकि वह दिखा सके जन यूरोप के बाकी देश उनको दिखा सके कि ऑस्ट्रिया जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा क्रूर है और वो वहाँ की जनता को सता रहा है, साथ ही साथ वो क्या है इटली के बाकी क्षेत्रों पर भी आक्रमण कर रहा है, ठीक है, अशांति फैला रहा है। तो ऑस्ट्रिया आक्रमण करता है पिडमोंट सार्डिनिया, सार्डिनिया की जो सेना है वो उससे युद्ध करती है, साथ ही साथ नेपोलियन की जो सेना है, नेपोलियन थर्ड की जो सेना है, या फिर आप कह सकते हो फ्रांस की जो सेना है वो भी क्या है इनके साथ मिलकर युद्ध करती है। क्योंकि अब क्या हो गए भाई ये संधि हो गए, ऑस्ट्रिया बोलता है कि यार तूने तो धोखा दे दिया नेपोलियन थर्ड को, कहता है ऑस्ट्रिया का राजा, तो नेपोलियन थर्ड कहता है कि भाई तुम तो सिर्फ दोस्त है, ये तो हमारे रिश्तेदार हो गए, ठीक है। तो अब ये क्या है दोनों एक तरफ से युद्ध लड़ते हैं, लोम्बार्डी पर कब्जा हो जाता है, लेकिन वेनेशिया के लिए जब युद्ध चल रहा होता है तो फ्रांस का राजा जो है वो बिना बताए युद्ध छोड़कर चला जाता है, जिसके कारण जो पहला चरण है उसमें वेनेशिया वेनेशिया का मिलाव नहीं हो पाता है, या वेनेशिया को प्राप्त नहीं कर पाता है पिडमोंट सार्डिनिया, लेकिन लोम्बार्डी जो है अब क्या है इटली का भाग हो गया था, लोम्बार्डी जो है वो किसका भाग हो गया था इटली का भाग हो गया था। तो इस प्रकार से क्या है पहले चरण में यानी 1859 में जो युद्ध होता है उस चरण के दौरान इटली को लोम्बार्डी जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रिया से प्राप्त हो जाता है, वेनेशिया पर कब्जा नहीं हो पाता क्योंकि फ्रांस जो है वो बीच में युद्ध छोड़कर बिना बताए चला जाता है। द्वितीय चरण की तरफ चलते हैं, सिर्फ एक वर्ष की बात है, ज़्यादा लंबा गया नहीं। 1859 में क्या है लोम्बार्डी को जीता था, 1860 में अब वो जीतेगा परमा मेडेना टस्कनी, या इसी प्रकार के जो छोटे छोटे राज्य थे जहाँ पर ऑस्ट्रिया के राजकुमारों का क्या है हस्तक्षेप था, वहाँ पर वो राज किया करते थे, उन क्षेत्रों पर क्या है द्वितीय चरण पे क्या है कब्जा होता है। प्रोसेस क्या रहती है अभी काउंट केवर कहता है वहाँ की जनता लोम्बार्डी की जनता को कि आप विरोध करना शुरू करो ऑस्ट्रिया को, हम आपको अपने अंदर मिला लेंगे। तो जब लोम्बार्डी को मिला लिया गया इटली के अंदर तो इस जगह की जनता जो थी, इन जगहों की जनता जो थी वो भी क्या करती है इसी प्रकार का कार्य करती है, वो भी क्या है राजकुमारों के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं वो, और विद्रोह करते हैं तो ऑस्ट्रिया जो है वो विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोहियों को या जो आंदोलनकारी थे उनका दमन करने के लिए उन पर क्या करती है प्रहार करती है, उनको मारती है। किसकी सेना थी ये? ऑस्ट्रिया की सेना, ऑस्ट्रिया की जो सेना है वो लगातार उनको प्रताड़ित करती है, प्रताड़ित करती है। जब ये इस प्रकार की गतिविधि ऑस्ट्रिया कर रहा था तो वह ब्रिटेन यानी पिडमोंट सार्डिनिया का जो प्रधानमंत्री है वो ब्रिटेन और फ्रांस को दिखाता है कि देखिए ये जो इंग्लैंड है उसको दिखाता है कि यहाँ की जनता के साथ ऑस्ट्रिया के राजा जो है वो इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो ब्रिटेन अब इसके अंदर हस्तक्षेप करता है और ब्रिटेन कहता है कि ब्रिटेन जो है वो अपना फैसला जो सुनाता है वो इटली के पक्ष में सुनाता है एक तरह से, कि ब्रिटेन कह देता है कि भाई जो जनता चाहेगी ना वो ही होगा। इटली मान जाती है यानी पिडमोंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री जो है वो मान जाता है कि जनता का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा, जनता जिसकी साइड जाना चाहेगी वही साइड जनता चूज करेगी और वही क्या होगा उसका राजा होगा। तो जनता के द्वारा चुना गया और जनता ने चुना इटली को, या फिर क्या है पिडमोंट सार्डिनिया के साथ मिलना उन्होंने चुना, और इसी के साथ क्या है
इस कूटनीतिज्ञ चाल के साथ ही पर्मा, मेडेना, टस्कनिया, इस प्रकार के जो छोटे छोटे राज्य थे वो भी किसके अंदर आ जाते हैं, पिडमोंट सार्डिनिया के अंतर्गत आ जाते हैं, नियंत्रण में आ जाते हैं। तो फिलहाल क्या है, अपनी कंडीशन क्या हो गई कि पिडमोंट सार्डिनिया तो था ही इटली का, सार्डिनिया, इसके साथ साथ दूसरा क्षेत्र किस कौन सा जीत लिया हमने 1859 में, लोम्बार्डी, और 1860 में क्षेत्र जीत लिया हमने प्रामा, मेडेना और टस्कनी। बाकी के जो चरण हैं इटली के एकीकरण के वो अपने क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतने में ये दो चरण अपने कंप्लीट करते हैं इस भाग में, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद।